हाँ जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल परीक्षा गाइड पर। अगर दोस्तों आप वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से कोई भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो DLIS हो या फिर BLIS हो या फिर DYS हो, अगर आपका एडमिशन जून 2023 का है और आपका रिजल्ट जनवरी 2024 में आया है और आपने जनवरी 2024 में किसी भी सब्जेक्ट में रिविलेशन फॉर्म या फिर रीचेकिंग करवाई है, तो दो दिन पहले उसका रिजल्ट जारी हो चुका है। आप VMU की वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं या अपने स्टूडेंट वन व्यू में भी रिजल्ट को देख सकते हैं। काफी सारे स्टूडेंट के जो सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुए थे, उन्होंने उसमें रिविलेशन फॉर्म भरा था, तो उसके रिजल्ट आ चुके हैं। और अब मैं आपको VMU की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर स्टेप बाय स्टेप आगे की प्रोसेस बताता हूं। अगर आपका अभी भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप आगे क्या कर सकते हैं, तो आइए चलते हैं VMU की ऑफिशियल वेबसाइट की ओर। दोस्तों जैसे ही गूगल क्रोम में आप VMU लिखकर सर्च करोगे तो जो पहली वेबसाइट होगी उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने VMU का ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे की ओर आना है। जैसे ही आप नीचे की ओर आओगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, उन्हीं में से एक ऑप्शन होता है रिजल्ट का, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहां पर रिजल्ट शो हो रहा होता है, टर्म एंड रिजल्ट जून 2023, ठीक है, जिनके रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुए थे और जिन्होंने रिविलेशन फॉर्म भरा था। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आता है एंटर स्कॉलर नंबर, आपको अपना स्कॉलर नंबर यहाँ पर एंटर करना है। जैसे ही आप अपना स्कॉलर नंबर यहाँ पर एंटर करोगे उसके बाद साइड में आता है ऑप्शन सर्च प्रोग्राम का, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको देखने को मिलेगा सिलेक्ट प्रोग्राम, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक आपको शो करेगा जो भी आपका प्रोग्राम जिसमें भी आपने एडमिशन लिया होगा, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर ऑप्शन आता है सबमिट का, तो आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करोगे, जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपको आपका जो रिविलेशन का रिजल्ट है वो शो होने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो रिजल्ट शो होने लग गया है DLIS का। जैसे कि उसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं, वैसे आप देख सकते हो सभी थ्योरी के होते हैं, ठीक है, और 2 प्रैक्टिकल होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो रिजल्ट में NC लगा हुआ है, मतलब कि एक सब्जेक्ट इनका नोट क्लियर है और नीचे लिखा भी हुआ है अप्लाई फॉर रिविलेशन। अगर आप एक बार फिर रिविलेशन का फॉर्म भरना चाहते हो तो आप भर सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ VMU की जो अभी ऑनलाइन सर्विस चालू है, आप कौन से डिफॉल्टर फॉर्म भर सकते हो वो मैं अब आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन सर्विस का, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने VMU की जितनी भी करेंटली अवेलेबल सर्विस होगी वो शो करने लग जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पर अभी 3 तरह के फॉर्म चालू हैं, जिनमें से एक फॉर्म है प्रैक्टिकल एग्जाम दिसंबर 2023, ठीक है दोस्तों, BLIS 03-04, DLIS 02-03 प्रश्नों हेतु डिफॉल्टर आवेदन। दोस्तों डिफॉल्टर आवेदन सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम वालों के लिए चालू है, DLIS और BLIS के। इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 मई है, ठीक है दोस्तों, 16 मई तक आप डिफॉल्टर फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद रिविलेशन ऑफ रिजल्ट अप टू 15 डेज ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, मतलब कि आपका रिजल्ट 2 दिन पहले आया है, उससे अगले 15 दिन तक आप अपने सब्जेक्ट में रिविलेशन का फॉर्म भर सकते हो, अगर आप दोबारा से रीचेकिंग करवाना चाहते हो तो। जो रिविलेशन की फ़ीस होती है वो 400 रुपये होती है और डिफॉल्टर फॉर्म की फ़ीस 200 रुपये होती है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसे भी जरूर ज्वाइन करें। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।